MySQL रिवीजन टूर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको 11th क्लास का जो MySQL हमने पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन करवाएंगे, ताकि क्लास 12 के अंदर जो कुछ भी आप पढ़ें वो एक बार पुराना तरोताजा होके नया आए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर एक चीज दूसरी चीज से लिंक की हुई है। अगर पिछला आपको समझ में नहीं आएगा तो आगे वाला भी एकदम से समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक बार इसको ब्रश अप करना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं MySQL रिवीजन टूर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि MySQL होता क्या है। MySQL इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इट इज एन ओपन सोर्स, इट इज ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इट सपोर्ट स्टैंडर्ड एसक्यूएल दैट सपोर्ट मेजर डेटाबेसेस, इट इज फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। तो ये सिंपल सी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ओपन सोर्स है, फ्रीली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप इसका लाइसेंस यूज कर सकते हैं। इसके जब तक आप इसका कमर्शियल यूज नहीं करते हो कोई पैसे भी नहीं मांगता है, और क्लाइंट सर्वर बेस है, हम जो यूज करेंगे वो क्लाइंट यूज करेंगे इसमें, और साथ ही जितनी भी जो एसक्यूएल की स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, उसको ये सपोर्ट करता है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है। आगे चलते हैं, करेक्टर सेट की बात करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका करेक्टर सेट पता होना जरूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या अदर जितनी भी हम लैंग्वेज सीखते हैं। तो MySQL के अंदर हम यूनिकोड करेक्टर सेट यूज करते हैं। आमतौर पे जो हम करेक्टर्स इसमें यूज करते हैं उसमें कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 0 to 9 digits और स्पेशल सिंबल्स, कीबोर्ड पे जितने भी अवेलेबल है कुछ सिंबल्स मैंने ये लिख दिए यहाँ पर, ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हो। ये सब सपोर्ट होता है MySQL के अंदर। ठीक है, अगला है हमारा डाटा टाइप। देखो, डाटा टाइप समझनी इसलिए जरूरी है, कोई भी हम टेबल क्रिएट करेंगे तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर कॉलम का डाटा टाइप क्या है। तो डाटा टाइप वैसे तो MySQL में बहुत से हैं, लेकिन जो मेजर डेटा टाइप हम यूज करते हैं, फ्रिक्वेंट जो डेटा टाइप यूज करते हैं, उसके अंदर आप लोगों का इंटीजर है, इंट फॉर इंटीजर, इंटीजर नंबर को स्टोर करता है, फ्लोट ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर करेगा, करेक्टर CHAR करेक्टर कार ये स्ट्रिंग को स्टोर करता है, और वेयर करेक्टर ये वेरिएबल स्ट्रिंग को स्टोर करता है। ठीक है, डेट या टाइम ये आपका डेट टाइम को स्टोर करेगा। दीज आर द डेटा टाइप, वी विल डिफाइन दिस डेटा टाइप इन आवर कॉलम। ठीक है, फिर उसके बाद अगला देखिए ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स के अंदर हम MySQL टेबल के अंदर मैनिपुलेशन के दौरान हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। सबसे पहले मैथ ऑपरेटर है, जितने स्टैंडर्ड हमारे मैथ के ऑपरेटर हैं, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, एक्स रेस्ट पावर वाई वाला जो है, ये सब हम इसमें यूज करते हैं। रिलेशनल डेट ऑपरेटर्स में या कंपैरिजन ऑपरेटर जिसको आप बोलते हो, जिसमें लेस देन हो गया, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, लॉजिकल ऑपरेटर, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को मिला के जब हम कोई ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज लॉजिकल, इसमें एंड और नॉट हमारे पास है, फिर कुछ अदर ऑपरेटर्स इसमें और हैं, इन है, नॉट इन है, बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स हम MySQL के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, अगला इसके अंदर आता है कि MySQL की कमांड कैटेगरी क्या है। ये फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि MySQL में कमांड कैटेगरी क्या होती है और कौन सी कैटेगरी में कौन सी कमांड्स आती है। तो सबसे पहले इसमें डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जिसमें तीन कमांड हम यूज करते हैं, क्रिएट, एल्टर एंड डिलीट।
ड्रॉप। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में हम ये चार कमांड आमतौर पे यूज करते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सेलेक्ट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास तीन कमांड्स हैं, कमिट, रोलबैक एंड सेव पॉइंट। तो इन कमांड्स के बारे में डिटेल इनके सब्सिक्वेंट सेक्शन के अंदर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये आप कैटेगरी याद कर लीजिए, कौन सी कैटेगरी में कौन सी कमांड आती है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आता है कि एसक्यूएल को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये स्टार्ट में आप जाइए, माई एसक्यूएल चुनिए। उसके अंदर आपको कहीं ये नजर आएगा माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, तो इसको आप टाइप करिए, मतलब इसको आप सिलेक्ट करिए, क्लिक कीजिए, ये स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे स्टार्ट होगा तो यूजर नेम इसमें जो दिया रहेगा और जो बाय डिफॉल्ट सेट है उसमें पासवर्ड आपको देना है। एजुकेशन पर्पस के लिए हम लैब के अंदर जितने कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर यूजर नेम भी रूट रखते हैं और पासवर्ड भी रूट रखते हैं। तो बाकी जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें तो अपने हिसाब से इसको आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने पे आपको ये स्क्रीन नजर आएगी जो आपको देख रहा है, वेलकम टू माई एस क्वेल मॉनिटर कमांड विथ ये दिस एंड दैट एंड दोस। ठीक है, तो ये देखो स्क्रीन का कलर आमतौर पे आपको ब्लैक नजर आएगा। मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज करके व्हाइट किया हुआ है ताकि डेमो पर्पज के लिए ये आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे दे। तो इस तरह से माई एसक्यूएल चलेगा। तो माई एसक्यूएल चलाने के लिए आपने यहाँ पर माई एसक्यूएल जब आप टाइप करेंगे तो ये आपको यहीं सीधा ही डायरेक्ट ही नजर आ जाएगा, माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो माई एसक्यूएल आपका ऐसे चल जाएगा। अब जैसे इसके अंदर मैं पासवर्ड देता हूँ, सॉरी इसके अंदर कैप्स लॉक बटन ऑन था मेरा, माई एसक्यूएल के अंदर पासवर्ड के अंदर जैसे ही मैंने पासवर्ड दिया तो ये माई एसक्यूएल चल गया। ठीक है, तो इस तरह से आप माई एसक्यूएल चला सकते हो। ठीक है, ये स्क्रीन जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी वही स्क्रीन ये यहाँ पर इस तरह से आ जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माई एसक्यूएल चलाने के बाद जो सबसे पहला काम करते हैं वो करते हैं हम डाटाबेस को क्रिएट करना। ठीक है, क्योंकि जितनी भी हम टेबल आप आगे बनाएंगे वो डाटाबेस में बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट अवर डेटाबेस। तो डेटाबेस को कमांड क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम देंगे, एग्जांपल के रूप में देखिए क्रिएट डेटाबेस स्कूल। ठीक है, तो ये हम एक डेटाबेस आपको क्रिएट करके दिखाते हैं यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस। ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है यहाँ पर, लेकिन जब आप मोबाइल पे यूज करोगे दैट विल बी कैश सेंसिटिव। ठीक है, सो मेक इट नोट। यहाँ पर ये देखें ये एक डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। ठीक है, ओके क्वेरी, ओके वन रो अफेक्टेड। ठीक है, ये स्कूल नाम से डेटाबेस हमारा आ गया। अब इसके बाद डेटाबेस को हम ओपन करने के लिए यूज कमांड यूज कर सकते हैं, यूज डेटाबेस और जैसे यूज स्कूल, इससे आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें एक कमांड और है, अगर हमें ये देखना है हमारे इसके अंदर माई एसक्यूएल में कितने डेटाबेस हैं तो 100 डेटाबेसेस आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने डेटाबेस हैं। ये दोनों कमांड मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब ये देखिए इसके अंदर सबसे पहले आप 100 डेटाबेसेस कीजिए,
है, 100 डेटाबेसेस आपने किया, तो इसके अंदर जितने डेटाबेस बने हुए हैं ये आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखिए स्कूल अभी जो मैंने बनाया ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। अब इस डेटाबेस को यूज करना है, तो यूज SCH स्कूल ये लिखिए। अब ये डेटाबेस चेन, दैट मीन्स ये डेटाबेस आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटाबेस ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। डेटाबेस हमने क्रिएट कर लिया, उसको ओपन कर लिया, उसके बाद हम बनाएंगे टेबल जिसमें हम डाटा स्टोर करेंगे। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले टेबल हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और कॉल वन यानी कॉलम वन की डेफिनेशन, उसकी डेटा टाइप, ब्रैकेट में साइज, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर जितने भी आप दें, उसके बाद लास्ट में ब्रैकेट बंद करेंगे और सेमी कॉलन लगाएंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल टेबल मैंने यहाँ स्टूडेंट टेबल क्रिएट की है, तो उसके अंदर आप देखिए क्रिएट टेबल स्टूडेंट, रोल नंबर हो गया इंटीजर डेटा टाइप, नेम करेक्टर डेटा टाइप और क्लास करेक्टर और परसेंटेज इंटीजर, ये हमारी एक टेबल इसमें क्रिएट हो गई। यही सेम टेबल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर ये लीजिए रोल नंबर इंटीजर 4 कॉमा स्टूडेंट का नेम हो जाएगा करेक्टर, इसकी साइज 20 रख देते हैं। फिर हमने क्या लिखा था, क्लास, क्लास की साइज सपोज 5 रख दी। फिर उसके बाद हमने रख दिया परसेंट, परसेंट को भी हमने लिखा इंटीजर और ये 3 कर दिया। अब इसके बाद ये ब्रैकेट बंद और ये सेमी कॉलन, ठीक है। तो ये हमारी एक टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शोइंग टेबल मतलब जितनी टेबल आप लोगों ने बना रखी है उसको आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शो टेबल्स। तो फर्स्ट टाइम अगर ये कमांड आप लगा रहे हैं एसक्यूएल चलाते ही, तो पहले डेटाबेस यूज करें उसके बाद शो टेबल्स करें, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस यहाँ ऑलरेडी ओपन है, इसलिए मुझे ओपन करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट शो टेबल्स कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखिए ये स्टूडेंट नाम की टेबल हमारे पास है, या इस डेटाबेस में एक ही टेबल बनी हुई है। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये रिवीजन टूर है इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को 11 के अंदर करवा चुका हूँ। अब देखिए इंसर्ट डेटा इनटू टेबल, टेबल में डेटा आपको इंसर्ट करना है, इसके लिए हमारे पास इंसर्ट इनटू कमांड है। इंसर्ट इनटू फिर टेबल का नाम, ब्रैकेट में कौन कौन से कॉलम में आपने डेटा स्टोर करना है, और फिर वैल्यूज के रूप में कौन कौन सी वैल्यूज में आपने डालनी है, ठीक है। कौन से कॉलम में क्या वैल्यू डालनी है, कोमा लगा लगा के लिखना है, जिस ऑर्डर में ये कॉलम है उसी ऑर्डर में आपकी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो ये देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंट, ठीक है। तो इसमें 101 रोल नंबर हो गया, अमन नेम हो गया, क्लास 12 हो गई, 85 ये आप लोगों का परसेंटेज हो गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर एक चीज नोट कीजिए, जो हमारा न्यूमेरिक डेटा है 101 है या 85, इसको हमने डबल कोटेशन या सिंगल इन कोटेशन में इनक्लोज नहीं किया है, जबकि जो हमारा करेक्टर टाइप डेटा है इसको हमने किया, स्ट्रिंग टाइप डेटा को हमने डबल कोटेशन में या सिंगल कोटेशन में इनक्लोज किया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, इसी तरीके से हम इसके अंदर टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इंसर्ट इनटू टेबल,
ठीक है, वैल्यूज, इसके अंदर कॉलम नेम, सॉरी रोल नंबर, नेम, क्लास, परसेंट। स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखिए, अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये पूरी कमांड हमें दोबारा लागू करनी पड़ेगी। ठीक है, 101 डेटा जो मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक की या कमांड में गड़बड़ की तो दोबारा का पूरा आपको टाइप करना पड़ सकता है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट इट। ठीक है, अब यहां मैंने गलती क्या की, इंसर्ट इनटू टेबल लिख दिया ना, तो ये सिंटैक्स के अंदर हमारा इंसर्ट इनटू टेबल है जो यहाँ टेबल का नाम आएगा, ये गलती हुई है। ठीक है, तो लेट अस सी, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, क्लास और परसेंट। ठीक है जी, वैल्यूज 101, 112 और 85। नाउ दिस टाइम दिस क्वेरी इज ओके। ठीक है, एक और डेटा हम डालते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, अब इसके अंदर मैं सीधे ही वैल्यूज टाइप करता हूँ। ठीक है, 102 प्रियंका, 12 और 80। ठीक है, इस बार भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर कॉलम के अंदर, सभी कॉलम्स के अंदर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो कॉलम का नाम स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर कॉलम का हम ऑर्डर चेंज करते हैं या फिर कॉलम किसी एक दो कॉलम में वैल्यू डालते हैं बाकियों में नहीं डालते हैं, इन दैट केस वी हैव टू स्पेसिफाई कॉलम नेम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए डिस्प्ले डेटा ऑन स्क्रीन, टेबल को का डाटा स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट कमांड है, सिलेक्ट में कॉलम नेम है। ठीक है, फिर उसके बाद टेबल नेम, फिर ये जितने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्लॉज दिए हुए हैं, हैव, वेयर, हैविंग, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, ये सारे ऑप्शनल हैं, जब जरूरत पड़ेगी हम लगाएंगे अदरवाइज नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये सिंटैक्स इसमें दिखाया है। ये एग्जांपल देखिए, जैसे हमें रोल नंबर नेम डिस्प्ले करवाना है तो ये रोल नंबर नेम, अगर कंप्लीट डेटा डिस्प्ले करवाना है तो ये कॉलम नेम है, इनके जगह पे हम स्टार लिख देंगे, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर हमें सारा डाटा क्लास 12 का देखना है तो ये देखेंगे, अगर रोल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ये ऑर्डर बाय ये देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए पहले टेबल के अंदर आपका डाटा डालना जरूरी है। अभी हमने केवल दो ही रिकॉर्ड डाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक आध रिकॉर्ड और डाल देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ठीक है, वैल्यूज 103 अनीस, टेन,
75 ये लिखे, ये एक रिकॉर्ड इसमें मैंने और डाल दिया। अब देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसके अंदर जो नाम हमने डाले थे वो तीनों के तीनों डेटा इसमें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसके अंदर केवल हमें नेम और क्लास देखनी है, तो सिलेक्ट नेम कॉमा क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, केवल नेम और क्लास ही दिखाएगा। अगर नेम और परसेंटेज देखने हैं, सिलेक्ट नेम कॉमा परसेंटेज फ्रॉम स्टूडेंट, नेम और परसेंटेज दिखाया, ठीक है। अब केवल हमें अमन का डेटा देखना है, तो ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू अमन, ठीक है जी। ये केवल अमन का डेटा दिखा है। तो लाइकवाइज आप क्लास का देख लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज इक्वल टू 10, इसमें केवल 10th क्लास का दिखा है। अब देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, इसे कंप्लीट डेटा दिखा दिया। अब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय नेम, ये देखिए अमन अनीस प्रियंका ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर परसेंटेज के असेंडिंग में चलना है तो ये देखिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय परसेंट, इज दैट क्लियर। तो ये 75 पहले, 80 उसके बाद, 85 उसके बाद, ठीक है। इसको उल्टा करना है परसेंटेज को, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय परसेंटेज DESC। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय परसेंट DESC, ये लिखिए डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर दिखा दिए, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब टेबल के अंदर आपको डेटा चेंज करना है, मतलब जैसे मान लो मेरे पास नेम अमन है, अमन को अमन खान करना है, तो अपडेट टेबल का यूज करेंगे। तो अपडेट टेबल नेम, फिर जो वैल्यू चेंज करनी है वो सेट कॉलम नेम के बराबर में करेंगे, और वेयर कंडीशन में जो ओरिजिनल है उसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं इसको आपको। अब ये देखिए अपडेट टेबल, ओके सॉरी अपडेट स्टूडेंट है ना, अपडेट स्टूडेंट। अब इसके बाद यहां पर हम सेट कॉलम करेंगे, नेम इज इक्वल टू अमन वेयर नेम इज इक्वल
है जी, ये लीजिए। अब इसको शो करके देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो यहां अमन था, अमन की जगह अमन खान हो गया। तो इस तरह से हम इसमें अपडेट करते हैं। नया कॉलम अगर आपको ऐड करना है तो आप नया कॉलम भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अल्टर टेबल कमांड को यूज करके। ठीक है, तो ये देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐड मोबाइल इंट ब्रैकेट के अंदर जो इसकी साइज है वो दीजिए, ये देखिए। ठीक है, अब ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये इसके अंदर एक नया कॉलम क्रिएट हो गया मोबाइल, लेकिन इसमें कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है फिलहाल। ओके, तो इस तरह से आप नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। उसके बाद हमारे पास अगला है, टेबल से डेटा हमको डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमारे पास दो तरीके, या तो सारा डेटा डिलीट करो या फिर डिलीट करो पर्टिकुलर डेटा। तो दोनों चीजें मैं बता देता हूं। तो देखिए, डिलीट फ्रॉम टेबल, सॉरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, अब यहां पर कंडीशन देनी है, वेयर नेम इज इक्वल टू अनीस। तो ये अनीस नाम का जो डेटा है वो डिलीट हो गया। अब आप देखो, सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये अनीस नाम का डेटा है वो डिलीट हो गया। अगर कंप्लीट डेटा डिलीट करना है, ठीक है, तो हमें सिर्फ ये लिखना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ये सेमी कोलन लगाओगे कमांड टर्मिनेट हो जाएगी, सब खत्म। ये देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, गया, कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथमेटिकल करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो सिलेक्ट 2+2, ये दिखा दिया आपको इसका रिजल्ट। जैसे सिलेक्ट 2 × 3, ये दिखा दिया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसी तरीके से ये, सॉरी मैथमेटिकल ऑपरेटर है उसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें यूज करके आप लोगों को दिखाया था क्वेरी के दौरान, तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब चूंकि टेबल मैंने डिलीट कर दी, उसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक है, इसलिए ये एग्जांपल मैं आपको शो नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए मुझे खेद है। अब इसके बाद देखिए ड्रॉप टेबल। तो ड्रॉप टेबल ये मैं दिखा देता हूँ, ड्रॉप टेबल का मतलब टेबल को डिलीट करना। सबसे पहले आप ये देखिए शो टेबल, ठीक है, तो ये इसमें स्टूडेंट टेबल है। अब इसके अंदर ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, ठीक है जी, ये टेबल ड्रॉप हो गई, सो टेबल्स खत्म, टेबल खत्म।
अब इसके अंदर आप देखिए, डेटाबेसेस, तो ये डेटाबेसेस में स्कूल है, इसको भी मैं कहता हूँ ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, ये भी खत्म। डेटाबेसेस, तो स्कूल जो डेटाबेस था वो आपका यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जैसे टेबल डिलीट किया वैसे ही आप ये डेटाबेस भी डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये कमांड मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दी, ठीक है। अब जो आगे हमें पढ़ना था उसके लिए हमें इतना माई एसक्यूएल का ब्रशअप करना जरूरी था, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को करवाया, इससे आपका 11th क्लास का जो माई एसक्यूएल है वो ब्रशअप हो गया होगा, ठीक है। तो आगे जो हम 12th क्लास का टॉपिक लेंगे वो होगा फंक्शंस इन माई एसक्यूएल, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अगर इसमें कोई आपको दिक्कत लगे यू कैन कॉल मी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।